अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भाजपा एनडीए बड़े ही शातिर तरीके से लोकतंत्र को अक्सरियत हिंदुओं का मुल्क कहते हुए हिंदू हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखते हुए 10 साल से हुकूमत पर फाइज थे, अब सूर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि हमारे वीडियो से भक्तों को परेशानी हो या बुरा लगे, पर क्या कर सकते हैं, हकीकत से आगा तो होना ही होगा। आज की बात शुरू करने से पहले इस तस्वीर पर नजर डालते हैं। आपको हैरानी होगी कि इसमें किसी के भी गले में भगवा गमछा नहीं है। मोदी ने तो बजाय भगवा जैकेट पहनने के हरा जैकेट पहना हुआ है। आपको कहीं पर भी किसी टीवी में न्यूज में या तो वीडियो में नारेबाजी भी आपको नजर नहीं आएगी। खैर, यह तस्वीर एनडीए गठबंधन की है जो अभी हुकूमत का दावा कर रही है। तारा सितारा जितना मुमकिन हो सके उतना समझौता कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे। रोजाना कुछ न कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है और लोगों को ज्यादा दिलचस्पी भी है कि कब किसकी हुकूमत बनेगी। बहरहाल हमें भी फोन आते रहते हैं, लेकिन कई सवाल आज भी उभर रहे हैं। भले गोदी मीडिया के भी तेवर बदलते नजर आ रहे हैं, ये भी बहुत अहम है। मोदी सरकार अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार कहने वाली गोदी मीडिया अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए देखने को मिल रहा है, आपस में लड़ते हुए भी देखने को मिल रहा है। फर्जी एग्जिट पोल के जरिए भारत की आम आवाम को किस तरह धोखा दिया गया। कॉर्पोरेट दुनिया का बड़ा फायदा इसलिए हुआ और इस फायदे में इन एग्जिट पोल वालों का भी फायदा था। भाजपा एनडीए को कितने आंकड़े आने वाले थे मालूम था, 31 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का डूब गया, पर कॉर्पोरेट दुनिया का फायदा हुआ और साथ में इन एग्जिट पोल वालों ने भी अपना धंधा चला लिया। लिहाजा एग्जिट पोल में 400 पार या 400 के करीब दिखाकर फिर से एक बार भारत की बोली वाली आवाम को धोखा दिया गया, इन्हें लूटा गया। और ये गोदी मीडिया एग्जिट पोल एजेंसी और भाजपा एनडीए की जानिब से ही किया गया। कॉर्पोरेट दुनिया का तो फायदा हुआ, लेकिन लाखों छोटे इन्वेस्टर्स तबाह हो गए। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता की तो धज्जियां उड़ा दी। पहले इस बयान को सुनिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए, ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूँ। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। खैर, मतलब एग्जिट पोल के जरिए अवाम को गुमराह तो किया ही, साथ में यहाँ भी देश की जनता को धोखा दिया गया। खैर, कुछ और बातें आज की वीडियो में करते हैं, खासकर तारा सितारा को यानी मोदी शाह को किस तरह घुटनों पे नायडू और नीतीश कुमार ने लाया। हुकूमत बनाने की जल्दबाजी मोदी शाह को तो है ही, लेकिन बजाहिर बिना शर्त कहा जा रहा है, मतलब टीवी में अगर आप ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे बिना शर्त इन्हें जो है सपोर्ट देने की बात कही गई, लेकिन अंदर शर्तों की तवील फहरिस्त है जिसे लेकर घमासान आज भी जारी है। ऊपर हमने तस्वीर में दिखाया कि जहां हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र को लेकर आवाम को वर्गलाने वाले मोदी खुद अब हरा जैकेट पहने खड़े नजर आ रहे। आपको याद होगा कि कर्नाटक में भी जब भाजपा की हुकूमत आई थी तो पुलिस थानों को तक भगवा रंग लगाकर त्योहार मनाए जा रहे थे, यहां तक कि पुलिस वालों ने भी भगवा पहन लिया था। मतलब देश को किस दिशा में ले जा रहे थे इसे समझने की जरूरत है। खैर, अब किस तरह घुटनों पर लाया जा रहा है, आज यही मौजू है कि किस तरह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को घुटने पर लाया है, इसे भी समझे। मरकज में बड़े उदों की मांग टीडीपी कर रही, रेल मोहकमा का दावा नीतीश कुमार कर रहे, साथ में डिप्टी पीएम की मांग भी जारी है। 4 MP पर एक वजरात की पेशकश हो रही है, इनके मरकज में मोदी शाह को हुकूमत बनाना ऐसी हड्डी बन गई है जो मोदी शाह के गले में अटक रही है। भाजपा के अंदर ही मोदी को वजीर आजम न बनाने की बात चल रही है, तो वही दूसरी तरफ शाह को भी वजीर दाखला न रखे इस तरह की भी बातें चल रही है। कुछ लोग गोदी मीडिया को देख कर कहेंगे कि एनडीए की हुकूमत पहले ही बन चुकी है और ऐलान भी किया जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज दिखाया जा रहा है। यकीनन कुछ बयान मीडिया में दिए जा रहे हैं, लेकिन मामला अभी सुलझा नहीं है। तीसरी मरतबा वजीर आजम मोदी तो बन रहे हैं, पहले 2 बार और अब तीसरी बार में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले हर मामले में तारा सितारा का दखल हुआ करता था और यही दो लोग देश को चला रहे थे, हर फाइल पीएम दफ्तर से होकर गुजरती थी, यानी कि 700 लोग इस काम में थे लेकिन फाइल इन्हीं के दफ्तर से होकर गुजरती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त भी जब गठबंधन की हुकूमत आई तो 3 मुद्दे ऐसे थे जिन्हें खुद अटल बिहारी भी छूना नहीं चाहते थे, जिसमें से 2 का फैसला अब हो चुका है, कश्मीर का 370, राम मंदिर का मामला भी हल हो चुका है। तीसरा मुद्दा है कॉमन सिविल कोड, जिसे लेकर ना तो नीतीश कुमार भाजपा मोदी के हक में जा सकते हैं और ना ही चंद्रबाबू नायडू, जो पहले ही फैसले लिए गए हैं उस पर भी मोदी शाह को फैसले बदलने की नौबत आ चुकी है। किसानों के 3 कानून सरे फहरिस्त है। अग्निपथ को लेकर नीतीश कुमार विरोध में है। बिहार हरियाणा हिमाचल यूपी यहाँ के ज्यादातर नौजवान
अग्निपथ स्कीम के तहत फौज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा फैसला बदलने की नौबत आ सकती है। और सबसे अहम जातीय जनगणना, जिसका भाजपा विरोध पहले से कर रही है और इसी को लेकर भाजपा नीतीश में तनाजा देखा गया। इसके बाद दोनों ने क्या क्या बातें कही थी ये भी एक बार सुन लीजिए। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अभी आपने देखा कि मर जाएंगे लेकिन इनसे कभी हाथ नहीं मिलाएंगे वगैरह। नीतीश कुमार ने 6 बड़े ओहदों की मांग की है, तो चंद्रबाबू नायडू ने 9 ओहदों पर अपना हक जताने की कोशिश की और साथ में आंध्र प्रदेश की मईशत के लिए भी बड़ा पैकेज पूछा है। मतलब अभी हैदराबाद पहले कैपिटल सिटी थी तो अब आंध्र प्रदेश की अलग होगी, जिसके लिए पैकेज पूछा गया पूरे आंध्र प्रदेश के लिए। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि किस तरह हालात बदलते गए और जिन मुद्दों पर आवाम के जहन को भटकाने की कोशिश की गई है, और पिछले 2 चुनाव इन्हीं जज्बाती यानी कि धर्म मजहब राम मंदिर मस्जिद इसी मौजूदों को सामने रखकर तो जीता गया। अब उन्हीं मौजूदों ने कैसे घुटनों पर लाकर खड़ा किया गया, अपने आप को तो अवतार और भगवान का रूप कहते कहते राम और कृष्ण से भी बड़ा बनाएगा इनके। अगर इनका कद अगर सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया पर दिखाया जा रहा था, इनका कद उन भगवानों से भी ज्यादा बड़ा दिखा। लेकिन मुसलमानों की छोटी सी बात पर ऐतराज और खून खराबा करने वाले अंधभक्त भगवानों की तौहीन पर खामोश बने रहे। कुछ ने तो मोदी का मंदिर तक बना लिया। स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज को बनाने के बजाय सूर्य नमस्कार योग सरस्वती पूजा इस तरह मजहबी तफरका करने के फैसले इसी मोदी अमित शाह ने लिए, ताकि अक्सरियत समाज खुश होकर इन्हीं के हक में वोट देते रहे और ये जीतते रहे और यही इसी तरह से इख्तदार का लुत्फ उठाते रहे। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र पर हुकूमत करने का मौका भाजपाई संगियों को मिला था। अगर वाकई इनमें देशभक्ति होती तो तरक्कियाती कामों को अंजाम देते, नए गांव बनाकर इन्हें बतौर मिसाल दुनिया के सामने तरक्की की मिसाल पेश करते। लेकिन इसे अंजाम देने की बजाय मुस्लिम नामों को बदलकर बहादुरी का काम करने के नौटंकी करते रहे। पिछले 2-3 चुनावी मरहलों में तो यानी कि ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं, 2-3 मरहल यानी कि 2-3 फेजेस में तो मोदी को जहनी तवाजन खोते हुए देखा गया। विदेशों में भी मोदी हुकूमत की थूतू होने लगे। खैर, अब जब हुकूमत बनने की है तो हिंदुत्व का आलमबरदार बनकर मुल्क को धर्म जात पात जुबान तहजीब में बांटने वाली भाजपा और खासकर मोदी योगी शाह तिकड़ी की हालत सर्कस के जोकरों से कुछ अलग नजर नहीं आ रही। जिन मुद्दों पर आवाम की दिशा भूल की जा रही थी और खासकर मुसलमानों के बिना तो भाजपा मोदी शाह का गुजारा ही नहीं हो रहा था, लाचार और बेबस नजर आ रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन पर तो नायडू विरोध में ही थे। जाति जनगणना, कॉमन सिविल कोड, इन तमाम मामले के साथ दिगर मसाइल भी दरपेश है। शिवसेना एनसीपी फिर से एक होने की तरह हासिल हो रही है। महाराष्ट्र में तस्वीर बदल रही है, दिगर छोटी सियासी पार्टियां भी पलट सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल हुकूमत बनेगी इसमें दो राय नहीं है, लेकिन यह बहुत ज्यादा अरसे तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोदी तीसरी मर्तबा वजीर आजम बन भी जाए लेकिन पार्टी के अंदर ही मुखालिफत जोरों पर है। हुकूमत बहुत ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती, ऐसा कई सियासी माहिरीन का कहना है। इंडिया गठबंधन वेट एंड वॉच पर है, सही वक्त पर फैसला लिया जाएगा, ऐसा राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से कहा गया है। मोदी शाह को किसी हाल में सत्ता में रहना जरूरी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में सत्ता से सवाल करने वालों को जेल भेजने की जो रिवायत इन्होंने शुरू की थी, अब ये रिवर्स होकर इनका भी जेल जाने का इंतजाम हो सकता है का डर इन्हें है। भाजपा के ही लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने तो आज कहा कि मोदी को हिमालय में छोड़ने की जरूरत है और एनडीए को विपक्ष का किरदार निभाना चाहिए, इस तरह की भी सलाह इन्होंने दी और कहा कि इंडिया गठबंधन को हुकूमत देना बेहतर होगा और उन्हें हुकूमत देकर चुनाव में हराना यह बेहतर होगा, इस तरह का भी तर्क उन्होंने बताया। मोदी को सत्ता में बैठने का शौक है, ऐसा भी एक तंज उन्होंने कहा। तकबुरी, घमंडी और तानाशाही मिजाज को भारत की आवाम ने घुटनों पर लाया, यही एक बड़ी बात कह सकते हैं। इतना जरूर आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। अब कुछ अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम शहर के सोशल वर्कर और कौमी हमदर्द जनाब अफजल राजगुड़ी का इंतकाल हुआ। इनके इंतकाल पर शहर में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। मरहूम अफजल राजगुड़ी हमेशा समाजी खिदमत अंजाम देते रहे।
एसडीपीआई के वो सरगर्म कारकुन भी रहे। 2 साल पहले एक हादसा पेश आया जिसमें इनकी बेटी का इंतकाल हुआ, उसी वक्त इनके आंखों की रोशनी भी चली गई और उसी वक्त से ये बीमार चल रहे थे। कुछ दोस्तों ने इनका इलाज मुस्तकिल जारी रखा, लेकिन बरोज मंगल रात अस्पताल में इनका इंतकाल हुआ। बुध के रोज अंजुमन कब्रिस्तान में इनके तदफीन के फराइज अंजाम दिए गए। अफजल राजगुड़ के इंतकाल पर शहर में खासकर नौजवानों में अफसोस का इजहार करते हुए देखा गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अफजल राजगुड़ को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। रिटायर्ड होने के एक दिन पहले सिविल अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट वीरपक्ष हरलापुर को सिविल अस्पताल के बाहर एक कार की ठोकर हुई जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। अस्पताल में इनकी मौत हो गई। ठोकर को हादसा समझा गया और वहां से ड्राइवर भी भाग गया था, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि सुपारी देकर कत्ल करने की बात सामने आई है। ट्रैफिक पुलिस और एपीएमसी पुलिस ने इस हादसे की तह तक पहुंचकर इस कत्ल का पर्दाफाश किया। इससे पहले भी 2023 में कार की ठोकर से खत्म करने की कोशिश की गई थी। ऐसे भी एक इत्तला हासिल है जिसमें वीरूपाक्ष हरलापुर बच गए। इस कत्ल के पीछे नाजायज ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। एपीएमसी के ख्वाजा हुसैन ने इस मामले की तफ्तीश की। इस मामले में अब तक 6 अफरादों को हिरासत में लिया गया, इस तरह की इत्तला हासिल हुई। ट्रैकिंग करने गए कर्नाटक के 9 ट्रैकर्स की उत्तराखंड में मौत हुई। उत्तराखंड सहस्त्रवाल में ट्रैकिंग को गए कुल 22 अफराद मौसम की खराबी की वजह से वहां फंस गए, जिसमें कर्नाटक के 18 ट्रैकर्स थे जिनमें से 9 की मौत होने की इत्तला हासिल हुई। चिक्कोड़ी हलके से प्रियंका जारकीहोली की जीत हुई है। प्रियंका जारकीहोली के वालिद और रियासती वजीर सतीश जारकीहोली ने बताया कि आवाम ने प्रियंका को जिताया, मगर कुछ लोगों ने पार्टी की मुखालफत में भी काम किया हुआ है, जिसकी वजह से 2 लाख बढ़त मिलने की बजाय 90,000 बढ़त हासिल हुई और जीत दर्ज हुई। कुर्ची और अथनी के कांग्रेस लीडरों ने काम नहीं किया, ऐसा भी इल्जाम सतीश जारकीहोली ने लगाया, जिसे हाईकमान के पास फरियाद की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने आखिर में बताया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।